हेलो फ्रेंड्स, सत्य हिंदी के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन सारे साथियों का जो मुझे मेरे YouTube चैनल विमल कुमार के नाम से है और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है। जब से मैं इंग्लैंड के दौरे पर आया हूं, वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर आया हूं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहा हूं और आप लोगों का बहुत सम्मान मिला। लेकिन सत्य हिंदी से हमारा पुराना नाता है, आपके वेबसाइट पर मैं लगातार लिखता हूं, कई स्टोरीज़ मैंने की हुई हैं, तो मैंने सोचा कि भाई आप यहाँ पर भी मुझे देख सकते हैं और अगर आपकी इच्छा ज़्यादा क्रिकेट देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर भी चले जाइएगा। फिलहाल जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ। इस मैदान पर इंडियन टीम ने आज अभ्यास किया, यहाँ का स्थानीय समय अनुसार 10:45 करीब टीम आई। रोहित शर्मा सबसे पहले टीम बस से उतरने वाले थे, उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अहम बातें कहीं। रोहित से मैंने ही पूछा उनसे सवाल, क्योंकि यहाँ पर कोई और जर्नलिस्ट है नहीं, इंडियन एक BCCI के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बाकी कोई है नहीं, एक दो वेस्ट इंडीज़ के लोग थे। यहाँ पर वो वाली भीड़ नहीं रहती, अगर आपने जो देखा होगा ना, इंडिया में माइक घुसेड़ देते हैं लोग, हैं यहाँ पर कोई परवाह नहीं, यहाँ पर खिलाड़ी बड़े रिलैक्स मूड में रहते हैं, इवन क्राउड भी कोई नहीं आता है। और मैं भी यहाँ पर हूँ, बड़ा एक्सेस आप खिलाड़ियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में टीम इंडिया ने काफ़ी डोमिनेट किया और ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत आखिरी लम्हे में टीम अनाउंस किया, आपसे कुछ ही घंटे पहले, एक दिन पहले। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि T20 सीरीज़ से करीब आप 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं, लेस देन 24 घंटे, 18 घंटे भी मैच के नहीं बचे हुए हैं, तब उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की है। तो यानी कन्फ्यूज़न में है चयनकर्ताओं में कि कौन टीम रहेगी, और हो क्यों ना, टीम इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ में आई नहीं है, तब भी जिस तरह से टीम इंडिया पछाड़ रही है लगातार, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम इंडिया जो है इसी तरह का अपना जो है जीत का सिलसिला है बरकरार रखेगी। तीन जो खिलाड़ी थे, शिखर धवन, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ये वनडे टीम का हिस्सा थे, ये वापस लौट चुके हैं। इंडियन टीम में देखा जाए तो रवि बिश्नोई हैं लेग स्पिनर, और इसके अलावा अश्विन आए हुए हैं, इसके अलावा कुलदीप यादव आए हुए हैं। ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार मतलब इंटरनेशनल टीम का, मतलब भारत की T20 टीम का हिस्सा नहीं रहा, लेंगे बिश्नोई तो खेल रहे हैं, अश्विन ऑन एंड ऑफ रहा है, कुलदीप यादव बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा जो है वनडे सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे तो उनके लिए अहम मुकाबला था रहेगा। बहुत देर तक उन्होंने प्रैक्टिस की रविंद्र जडेजा ने, हार्दिक पांड्या को देखा, पावर स्ट्रोक्स खेल रहे थे। उसके बाद उनको मैंने ये भी देखा कि वे जो यहाँ के लोकल जो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, उनको टिप्स दे रहे थे। हार्दिक पांड्या यहाँ पर स्टार हैं, हार्दिक पांड्या स्टार हैं, ज़बरदस्त स्टार हैं, हर कोई उनमें कैरेबियाई खिलाड़ी की झलक देखता है, तो यही है फिलहाल, यही है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल पर भी आइए, विमल कुमार के YouTube चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी साथ हिंदी पर तो मैं आता ही रहूँगा, यहाँ पर तो आप लोगों की मौजूदगी है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।